मझौली ब्लॉक अंतर्गत ग्राम पंचायत मड़वास में नहीं दिखा किसान आंदोलन का असर। जी हां, आपको बताते चले कि ग्राम पंचायत मड़वास में किसानों का कभी चल रहा 12 दिनों का अनशन और आंदोलन के साथ मड़वास अचल के कोई भी व्यापारी साथ नहीं दे रहे, ना ही भारत बंद का समर्थन कर रहे हैं। पूरी दुकानें खुली नजर आ रही है, जैसे कि 22 दलों का साथ मिला है किसानों को, लेकिन मड़वास अंचल में नहीं दिखा किसी प्रकार से किसान आंदोलन और भारत बंद का बोलो। जिला के मझौली ब्लॉक अंतर्गत ग्राम पंचायत मड़वास में अवैध रूप से यहाँ पे देसी शराब की बिक्री होती है। और यहीं पे आपको बताते चले कि आपको हम दिखा रहे हैं, ये मेन मार्केट का सड़क है, ये पूरी मेन मार्केट है। इस दुकानों के पीछे जो है तो हार्ट कंडी स्कूल है, और स्कूल के जस्ट करीब से आपको बताते चले कि इस फोटो लेंगे मुख्य से 10 से 15 फीट के बीच में आपको इधर नजर आएगा देसी शराब दुकान। ये जो देसी शराब दुकान है यहीं से दिखा रहा हूँ, दिखाई ये मेन मार्केट मड़वास की बात बता रहा हूँ। मेन मार्केट मड़वास बिल्कुल मेन मार्केट में शराब तस्करी की दुकान की गई है, जहाँ पे आजू बाजू लोग रहते हैं, उनके मन में क्या रहता है, कैसा रहता है, किस प्रकार से लोग यहाँ पे बैठते हैं। लेकिन अभी आप कैमरामैन वही दुकान भी दिखाते हैं, अभी आपको हम दुकान दिखाते हैं। ये मेन रोड हो गई, ये मेन रोड मेन मार्केट का है, और इससे मुश्किल से 10 फीट के बीच में देसी शराब दुकान है। यहाँ पे देसी शराब दुकान है, स्कूल है यहाँ पे, से मुश्किल से 20 फीट की दायरे में मेन स्कूल है यहाँ पे, हायर सेकेंडरी स्कूल मड़वास, और मेन मार्केट से 10 फीट की कदम में ही यहाँ पे देसी शराब दुकान है। मैं जिला प्रशासन से कलेक्टर साहब महोदय जी से सबसे अनुरोध करता हूँ कि इस दुकान के बारे में ख्याल रखें, और यहाँ से नशेड़ियों के को संज्ञान में लेते हुए इस देसी शराब दुकान को नियमानुसार 500 मीटर दूर मेन मार्केट से किया जाए। धन्यवाद। मैं रवि जायसवाल, पुलिस वाला नियुक्त। जी मैं यहाँ ग्राउंड जीरो पे खड़ा हूँ, रवि जायसवाल, पुलिस वाला घीस के। आपको बताते चले कि सीधा जिला अंतर्गत ब्लॉक मझौली में ग्राम पंचायत मड़वास में किसी भी तरह से नहीं दिख रहा भारत बंद का किसी भी तरह से यहाँ पे असर नहीं है। सभी यहाँ पे व्यापारी घर कोई भारत बंद का समर्थन नहीं कर रहे हैं, किसानों के साथ नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं से ऐसी प्रॉफिट होती है कि ये 14 रुपये किलो जिस तरह से गेहूँ लेते हैं और 25 रुपये के जी के हिसाब से आता देखते हैं कि यहाँ पे भारत बंद का असर नहीं, ग्राम क्षेत्र मड़वास के अंतर्गत किसी प्रकार से भारत बंद का असर नहीं है। आपको मैं आगे दिखाता चल रहा हूँ कि पूरी तरह से सभी दुकानें खुली है, आवागमन चालू है। यहाँ पर किसी प्रकार से किसान आंदोलन आज पूरा भारत बंद है, लेकिन मड़वास अंचल अंतर्गत किसी भी प्रकार से यहाँ पे भारत बंद का समर्थन नहीं किया गया है। अभी 1 घंटे पहले कलेक्टर साहब का आदेश आया है कि सभी कोई अपनी दुकानें बंद कर दें, लेकिन यहाँ की पुलिस प्रशासन अभी नाकाम नजर आ रही है। आपको बताते भी चले कि यहाँ पे अभिषेक सिंह परिहार जो है यहाँ पे नए ईसाई आए हैं, इनका तो रवैया ऐसा है कि सिर्फ गुंडागर्दी जैसे इनको माहौल रहता है हमेशा, इनकी आए दिने ऐसी खबरें आती रहती है कि पहले आपको बताते चले कि यह पहले टीआई से सबका प्रमोशन होता है, लेकिन अभिषेक सिंह परिहार का डिमोशन हुआ और वो दरोगा बन के आए हैं। उनका ज्ञापन भी कलेक्टर साहब के पास दे दिया गया है और ये कुछ ही दिनों में यहाँ से भी जाने वाले हैं, लेकिन उनका यही रवैया रह गया तो मड़वास अंचल में के साथ कोई ना व्यापारी ना कोई यहाँ के सदस्य हैं। भैया आप बता सकते हैं कि आप किसानों के साथ हैं? भैया हम तो किसान हैं। जी जी जी, लेकिन भारत बंद है भैया, आज आप समर्थन करते हैं क्या? हम तो समर्थन करते हैं जी। यहाँ पे भी भैया लोग हैं तो ये भी किसानों के साथ है और किसानों का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से कुछ ऐसी बातें आ रही हैं कि यहाँ के व्यापारी जो है मड़वास क्षेत्र के अपनी दुकानें नहीं बंद किए हैं और किसानों के साथ इनकी कोई सहानुभूति नज़र नहीं आ रही है। पूरा मार्केट खुला हुआ है, भीड़ भाड़ ज़्यादा तरीके से यहाँ पे देखने के लिए आज मिल रही है, किसी प्रकार से यहाँ पे भारत बंद का असर नहीं है। धन्यवाद। मैं रवि जायसवाल, पुलिस वाला न्यूज़। Thank you.